हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। और आज हम बात करेंगे रिचविल नेचुरल्स की ऑरेंज एलमंड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब के बारे में। ये जो रिचविल नेचुरल है गाइस, इसके प्रोडक्ट आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप्स में मिल जाएंगे, नहीं तो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो गाइज़, ये है रिचविल नेचुरल से ऑरेंज एलमंड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। ये फेस स्क्रब बहुत अच्छा है आपके फेस के लिए और ये ऑल टाइप ऑफ स्किन पे जाता है। इसका जो MRP है, दिस इज़ फॉर 400 MRP, और इसकी 3 साल की शेल्फ लाइफ है। एंड ये 100 ग्राम का बॉक्स है गाइज़। ये इसका आउटर कार्टन है, आउटर कवर है। एंड दिस कंपनी इज़ बेसिकली फ्रॉम मुंबई और वहाँ से ऑपरेट करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एंड वर्ल्ड में। तो जो ये स्क्रब है गाइज़, ये बहुत अच्छा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑरेंज और एलमंड के एक्सफोलिएटिंग हर्ब्स डाले गए हैं। लाइक ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी जो फेस की स्किन होती है उसकी सुपरफिशियल लेयर की डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत अच्छा माना जाता है। और आपको पता है कि ऑरेंज जो होता है वो आपके फेस को लाइटन एंड ब्राइटन भी करता है, आपके फेस के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करता है, अगर आपको पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड एलिमेंट्स जो होता है आपके कलर को ना इवन टोन में बदलता है। लाइक आपने देखा होगा कई बार कि हमारी नोज़ के आसपास या चिन के आसपास थोड़ा सा और या फिर लोअर चीक के आसपास, चीक बोन के आसपास जो स्किन होती है ना वो डार्क हो जाती है। तो आपके पूरे फेस की जो स्किन को, आपके पूरे फेस के कॉम्प्लेक्शन को ये क्लियर करता है और अनइवन स्किन टोन से इवन टोन में लेके आता है। तो एलिमेंट का ये वाला काम है। और ऑरेंज में विटामिन सी भी होता है तो आपकी स्किन को ये लाइटन ब्राइटन करता है। तो इसका जो इसके अंदर मेन जो एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं वो एलमंड ऑयल डाला गया है, और जैसे कि मैंने बताया कि ऑरेंज के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, तो ये 2 मेन इन्ग्रीडियंट इसके अंदर डाले गए हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल एक ग्लोइंग स्किन में तब्दील करेगा। तो ये इसका आउटर कार्टन है एंड दिस इज़ अ बॉक्स जार है। एक्चुअली ये एक्रेलिक का जार है। एक्रेलिक का जार होने की वजह से ये जो है टूटता नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ग्लास बॉटल। और बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी इजी है, आप उसको हाँ ट्रैवलिंग के टाइम पे कैरी कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका जार का जो साइज़ है वो 100 ग्राम के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, बट आई डोंट हैव एनी इशू विद इट। एंड देखते हैं इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखता है। तो गाइज़, ये इसके अंदर का प्रोडक्ट का टेक्सचर है, मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है इसको, ये देखिए वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, उसके बाद ही मैं शेयर कर रही हूँ उसका रिव्यू। हल्का सा ऑरेंज क्रीमी टेक्सचर है प्रोडक्ट का, ये देखिए। थोड़ा सा कैमरा को हम फोकस करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए साइड में लग गया है काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए। तो ये इसके प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है वो है, इसके जो ग्रैनुल्स होते हैं ना जिससे हमारे फेस को हम स्क्रब करते हैं, वो ग्रैनुल्स भी काफ़ी ज़्यादा ना हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो अच्छे से आपके पोर्स को क्लीन कर देता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। बहुत अच्छी माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी एंड बहुत इफ़ेक्टिव है ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। और इससे आपके डेड जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो तो रिमूव होते हैं, और डेड सेल्स जो स्किन के ऊपर लेयर जम जाती है ना वो भी रिमूव हो जाती है, और आपको बहुत अच्छा ही स्किन टोन मिलेगा। तो अगर आपने काफ़ी ज़्यादा स्क्रब यूज़ कर ली है अलग अलग ब्रांड्स के, तो एक बार रिचविल नेचुरल्स का भी आप ये वाला ऑरेंज एलमंड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब यूज़ करें। ये बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव है, खासकर उनके लिए जिनके फेस पर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेज या फिर अंडर डार्क सर्कल्स हैं, और अगर एक्ने पिंपल के दाग रह गया ना, तो उन चेहरों के लिए, उस स्किन टोन के लिए ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इसमें ऑरेंज होने की वजह से, एलमंड होने की वजह से ना, ये सारे काम करेगा जो आप चाहते हो कि आपकी स्किन के स्पॉट्स भी रिमूव हो जाएं और आपकी स्किन की जो टोन है वो भी ब्राइटन और लाइटन हो जाए। तो आई रियली लाइक इट एंड दैट इज़ व्हाई एम गिविंग द रिव्यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।